What is up guys, welcome back to another video. और आज की वीडियो अलग होने वाली है और थोड़ी ठीक होने वाली है। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज डर्मा रूलर फॉर स्कार्स, ठीक है, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। और मैं चाहता हूँ स्कार्स के लिए अपना पील वील कहीं ना जाएं, डर्मा रूलर जो देसी उपाय हैं उन पे ही टिके रहें, जिनसे रिएक्शन विएक्शन या नुकसान कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप पील वील पे जाओगे तो आपकी चुल मचेगी कि आप ज़्यादा पावरफुल पील पे जाओ, और चुल के बदले आपको अपने स्किन से हाथ धोना पड़ सकता है मेरी तरह। तो मैं आज आपको सिंपली पुट करूंगा कि आप कैसे डर्मा रोलर विद थोड़ी एक्स्ट्रा उसमें कैटलिस्ट मतलब विटामिन सी का सीरम, उससे अपने स्किन को कैसे पहले से और बेहतर बना सकते हैं। तो जल्दी से अपन इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट डाउट या फर्स्ट थिंग आपको आना चाहिए कि कौन सा अपन डर्मा रोलर यूज़ करें 0.5, क्योंकि अपने यहाँ पर बहुत डर्मा रोलर प्रेजेंट है। तो और मैं नहीं चाहता कि आप है ना 1.5 से ऊपर जाएं, और मैं ये नहीं चाहता कि आप 1 से नीचे जाएं। 0.5 का कोई इतना मेजर असर नहीं होता, सिंपल मैं बोलूं। 0.5 आपको माथे पे करना है और कहीं भी नहीं करना। जो आपको चीक्स हैं, अगर आपके मेजर स्कार्स हैं तो आपको 1 mm का तो करना ही है। अब देखो, अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना पेन एंडोर कर सकते हो। दर्द होता है पर मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द को आप अगर एंडोर कर पा रहे हो तो ठीक है, आप करो डर्मा रोलर। सिंपल डर्मा रोलर करना किस हिसाब से है, मेरे पास देखो पड़े हैं, मैंने दो डर्मा रोलर पड़े हैं, एक बालों के लिए और एक चेहरे के लिए। बट अभी मैं कुछ नहीं कर रहा क्योंकि अभी चेहरे की सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना। अगर आपके पिगमेंटेशन हो रखा है तो कुछ ना करो, और अगर आप स्कार्स के लिए कर रहे हो तो मैं बताता हूँ कैसे। तो आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल जहाँ पर गड्ढा हो रहा है स्ट्रेच करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मतलब उल्टा बोल दिया मैंने, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायगनली एक जगह पर, और ऐसे ही करते जाना। आपको दर्द होगा भाई, दर्द को एंडोर करना पड़ेगा अगर आपको ये है। क्योंकि अपन डर्मा रोलर घर पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बजट बचाने के लिए, पैसे बचाने के लिए। नहीं तो अपन डॉक्टर के जाके करा लेते 1500 में, बट डर्मा रोलर से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बट अगर अपन एनेस्थीशिया लोगे या किसी भी तरह का वो दर्द कम करने का वो लोगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव आएगा। अगर जो सस्ता भी आएगा तो मेरे हिसाब से वो इतना दर्द कम नहीं करता। तो एंड्योर कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो आप एनेस्थीशिया भी ले सकते हो। कोई ऐसा वो नहीं है, स्किन वाला आता है जो आपको क्रीम लगानी पड़ती है 15-20 या आधा घंटे तक, और देन आपको वाइप करना पड़ता है, फिर देन जैसे मैंने बताया ऐसे चक चक मत कर देना, ऐसे तैसे हो जाएगी। और इस बात का खास ख्याल रखना, करा फिर निकाला मतलब ऐसे करके डायरेक्ट खींचना नहीं, नहीं तो स्किन छिल जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब ये करने के बाद आपको विटामिन सी का सीरम डालना है, टक 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 सीरम डालना है, देन वापस एक बार और करना है, देन आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और इसके बाद आपको जैसे सुबह कर लिया आपको, तो शाम को मुंह धो लेना है, 7-8 घंटे बाद मुंह धो लेना है, और देन आपको मॉइस्चराइजेशन लगाना है, देन सनस्क्रीन लगानी है, देन आपको धूप में नहीं निकलना। कितने दिन तक, 4 दिन तक, ये 3 क्यों दिखा रहा हूँ, 4 दिन तक नहीं निकलना। और यही प्रक्रिया आपको है ना 1 महीने में एक बार करनी है। मैन ओ मैन यू विल गेट अ रिजल्ट, आपको स्टार्टिंग लेवल पे रिजल्ट मिलेगा घर पे। और ये कितना 300-500 रुपये में मैक्स टू मैक्स हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी सीरम को भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जो 7-8 सेशन चल जाएगा। डर्मा रोलर तो अनलिमिटेड टाइम है, एनेस्थीशिया करना है अगर आप एंडोर कर सकते हो बेस्ट, नहीं कर सकते तो मंगा लेना। तो इतने में 6-7 सेशन और आपका चेहरा हील्ड। मैंने तो कम से कम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करे हैं, तब भी मेरे को इतना कोई मेजर रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं इसी वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो, नुकसान मैं देखो मैं आपका दोस्त हूँ, सीनियर हूँ या जूनियर हूँ, जो भी मान लो, मैं चाहता हूँ आपका फ़ायदा हो हर चीज़ में, आप टेंशन फ्री रहो। टेंशन लेने के लिए मैं काफ़ी हूँ, तो मैं आपको डायरेक्ट इनपुट प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आपका एक कर्तव्य, नीचे सब्सक्राइब बटन कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जितने भी लोग हैं जिनको ज़रूरत है ऐसे वीडियोस की, उन तक ये पहुँचे और किसी का भी नुकसान ना हो और किसी को भी रिस्क ना लगे। ताकि मैं सब चीज़ बता ही रहा हूँ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो रखे हैं या मैंने बहुत सारी चीज़ें कर रखी है, ताकि मेरे को उसका एंड रिजल्ट तक पता है, मतलब क्या नुकसान है क्या फ़ायदा। नुकसान तो दिख ही जाएगा आपको और फ़ायदा भी दिख जाएगा। तो फ़ायदा तो वैसे एक ही है कि स्कार्स कम हुए मेरे, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी हैंड मेरे पिगमेंटेशन आ गया। तो बस यही है, बस अब अपन इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फालतू में स्ट्रेच नहीं करना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझ में आ गया, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट कर देना, अगर समझ में आ गया अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है, तो कर्तव्य आपका, तब तक तो पता लग जाना चाहिए। और अगर अपन अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।